पीएस ठाकुर जी हैं, है ना जी? आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम परमेश्वर सिंह ठाकुर है। मैं एंटी करप्शन ब्यूरो में जगदलपुर में बड़वा उपखंड पर पदस्थ हूँ। मुझे क्या तकलीफ क्या था आपको? लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का भी तकलीफ था। तकलीफ था जी जी, और पेट का भी परेशानी थी। हाँ, और शुगर का था, और बीपी, और लेफ्ट कान में आपका शायद सनसनाहट का आवाज आ रहा था। जाता था जी। तो आप पहले बताएंगे कि आपका जो कमर दर्द था जी, है ना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें आपका कैसा लग रहा है? मेरे द्वारा जो है यहाँ के विशेषज्ञों के द्वारा दिखाया गया था, और उसके बाद मुझे आराम नहीं मिला तो मैं विशाखापट्टनम में जाकर भी इसके संबंध में इलाज करवाया, और वहाँ का जो दवाई दिए थे इनका मैं सेवन किया, और उनके द्वारा जो है सर्जरी, अति आवश्यक सर्जरी कराने की सलाह भी दिया गया था कमर दर्द के बारे में जो है। तो उनके सलाह के बाद आपने फिर क्या निर्णय लिया था? उसके बाद मैं वहाँ से आने के बाद यहाँ से मैं कार्यालय के सहयोग के माध्यम से मुझे निरामय हेल्थ केयर सेंटर के बारे में पता चला, न्यूरोथेरेपी के बारे में। तो मैं यहाँ के ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी से संपर्क किया, और यहाँ मेरा जो है लॉकडाउन के पहले 7-8 दिन तक के जो है मेरा ट्रीटमेंट हुआ, जिसमें मुझे तीसरा दिन से ही मतलब अपने शरीर में अंतर आने लगा, और मुझे काफ़ी आराम मिला जी। तो अभी आपका जो बैक पेन था लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का, तो उसमें आपको कैसा लग रहा, कितना परसेंट ठीक है? मुझे अभी जो है 100% लगभग कंप्लीट हो गया है, और मुझे बहुत ही आराम है। तो आप इससे संतुष्ट हैं? बहुत ही संतुष्ट हूँ। और आपका गैस का भी प्रॉब्लम था? गैस का भी प्रॉब्लम था, गैस जो है नॉर्मल है अभी, उतना प्रॉब्लम नहीं कर रहा है मुझे जो है, बहुत नॉर्मल आ गया गैस भी जी जी। और आपका लेफ्ट कान में आवाज़ आ रही थी जी, सीटी की आवाज़ आ रही थी, वो सीटी भी जो है लगभग ख़त्म ही हो चुका है जी। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे? मैं एक बार लोगों से सलाह यही दूंगा कि एक बार जो है अपने जो है शरीर के लिए जो है निरामय हेल्थ केयर सेंटर के संचालक से संपर्क करें, और अपना जो है एक बार कम से कम ट्रीटमेंट और उपचार कराएं जो है। यदि अन्य डॉक्टरों के से यदि मान लो उनके उपचार से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो एक बार यहाँ ट्रीटमेंट आके जरूर कराएं। और न्यूरोथेरेपी का आपको ट्रीटमेंट कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और भविष्य में जो है मैं और लोगों को ट्रीटमेंट कराने की सलाह दूंगा। अच्छा, ठीक है। ये जो वीडियो बना, मैं इसको सोशल मीडिया में यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं जी। चलिए, थैंक यू।